दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अपने आधार कार्ड में कैसे आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भी अपने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक बने रहना। इसमें दोस्तों कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाला हूँ, ऑनलाइन तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल से ही कैसे अपना नाम चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर से ज़रूर क्लिक करना। अब दोस्तों अपने मोबाइल के या कोई सा भी ब्राउज़र पे आ जाना, वहाँ पे दोस्तों लिख देना है, यहाँ पे देख सकते हो मैं aadhar.uida.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप दोस्तों जैसा ही इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको स्टेप से इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही आओगे तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे ही देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन का पेज यहाँ पे दिख रहा है, आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बिल्कुल नया वेबसाइट है, अपडेट कर दिया गया है। अगर आप पुराने वेबसाइट पर जाके चेंज करना चाहोगे अपना नाम तो नहीं होगा, ये नया वेबसाइट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। अब दोस्तों लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर जैसा ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले देख सकते हो अपना यहाँ पे आधार नंबर को इंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यही वाला कैप्चर कोड को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर दोस्तों ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है, फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अंदर आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे कैप्चर कोड और ओटीपी मैं डाल दिया हूँ, उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों आप अपने आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लॉगिन हो जाओगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे चेक करोगे यानी कि अपने लोगो बटन पर क्लिक करोगे तो अपना दोस्तों आधार कार्ड का सारा कुछ खुल जाएगा। उसके बाद फ्लिप करना चाहते हो तो यहाँ पर पीछे का देखना चाहते हो तो फ्लिप आधार पर क्लिक करके अपना दोस्तों एड्रेस सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों अपना यहाँ पर आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन आ जाता है, देखो अपडेट आधार ऑनलाइन, जिसमें दोस्तों देख भी सकते हो अपना नाम चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लैंग्वेज, डाटा ऑन योर आधार सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो अपडेट आधार ऑनलाइन बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको स्टेप सेंटर फेस खुलेगा, आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। आपको दोस्तों यहाँ पे पूरा टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया अपना यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। अब दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे देख सकते हो प्रोसीड टू अपडेट आधार लिखा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख भी सकते हो आप क्या चेंज करना चाहते हो। आप अपना लैंग्वेज तो ऑटोमेटिक चेंज होगा, नाम दोस्तों आप लाइफ में दो बार चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ एक बार चेंज कर सकते हो, जेंडर एक बार, और एड्रेस बार बार आप चेंज कर सकते हो। आप दोस्तों जो भी चेंज करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे दोस्तों नाम से चेंज करना है तो नाम पर मैं क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करते हूँ, पूरा लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा। अब दोस्तों आपका जो भी नाम पुराना नाम दिखेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों अपना नया नाम डालने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे न्यू नेम लिखा है, आपको न्यू नेम यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं फटाफट से जैसे डाल लेता हूँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मेरा राजू लिख देता है, राजू सिंह, नया नंबर दोस्तों, नया नाम यहाँ पे राजू सिंह लिख दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे राजू सिंह आ गया। यहाँ पे चलिए मैं एच डाल देता हूँ, एक छूट गया था, यहाँ पे राजू सिंह आ गया। अब दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट मैनुअली यहाँ पे करना। जैसे दोस्तों सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप चेंज कर सकते हो, फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे मैं पासबुक को अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मेरा पासबुक में राजू सिंह लिखा हुआ है। आपका जो भी नया नाम है उसमें दोस्तों अपना नाम लिखा हुआ रहना चाहिए। आपको चलिए मैं पासबुक पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि अपलोड एंड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, इसी बटन पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं अपलोड कर दिया हूँ, ये 100% आपको दिखाना चाहिए, इस टाइप से ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब दोस्तों यहाँ कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि किसान फोटो, पासबुक, मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि जो भी पैन कार्ड, पासपोर्ट, आप जो भी यहाँ पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो जो आपका नया नाम है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन पर यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, जो भी आपका नाम है आपका सही है कि नहीं यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कर देना है, फिर इसको दोनों को अलाउ कर देना है, इस टाइप से देख सकते हो, यहाँ पे दोनों को चेक कर देना है अगर आपका सही है तो। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देगा 50 रुपया, क्योंकि दोस्तों फ्री में कुछ भी नहीं है। अगर आप घर बैठे भी करते हो तो आपको 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा, पेमेंट सक्सेस हुआ और आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट लग गया उसका भी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका नाम ईजी तरीके से चेंज हो जाएगा, आपको देख दिया जाएगा और अप्रूव करके ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर आधार सेवा केंद्र में भी जाते हो तो 100-200 आपको देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे ही आप चेंज कर सकते हो। इस टाइप से आपको यहाँ पे करना है, उसके बाद दोस्तों आपका चेंज हो जाएगा पेमेंट करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा नाम सही है। आपका यहाँ पे सबसे पहले नाम भरना है, फिर भी आपको दिखेगा जैसे, उसके बाद 50 रुपये का फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो आपका नाम दोस्तों सक्सेस ईजी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप दोस्तों यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने नाम को इजी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। आई होप दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताया गया थोड़े से भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।